Yeah. ये मेरा पता लेने आया है। पंक पंक हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एंड अनदर व्लॉग। मैंने इनको कुछ अपने बारे में कुछ शेयर करना था, तुम क्यों आगे जा रही हो? पता है शेयर करना है वो बताओ। जान निकल तो जाएगी, फिर मैं बताऊंगा। मैं नहीं बता रहा, मैं बताती हूँ। ओके ठीक है ना, ये हो गया बुढ़ा। इसको लेके गया डॉक्टर के पास सर, वो मैंने इसको टांग ज्यादा जोर से कमर पे मार दी थी क्योंकि कमर टूट गई है, और इसका जो ये कंधा है ना, ये भी ऊपर नीचे हो गया। गजब बेइज्जती है। यार मैं बताता हूँ सीन क्या। सीन ये है कि कुछ देर से मुझे ना बड़ी देर से पेन थी, तो मैं किसी को भी घर में से किसी को भी बताता नहीं था मुझे पेन है। तो कल मैं बिल्ले को छोड़ने स्कूल गया हूँ, तो एक सीधा बहुत ज्यादा पेन बढ़ गई थी, जिस जो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। फिर मैंने घर वालों को बताया, वो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी जो बैक बोन का स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा सा कर्व्ड हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है। तो मैं बताती हूँ, इसको बोला नहीं यार, इसका शोल्डर भी जो है ना ऊपर नीचे हो रहा है, और इसकी जो ये चीज है मतलब जो हड्डी हम लोग कहते हैं वो इसकी ना यूं हो रही है, उसकी वजह से इसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ये अब बैठ भी नहीं सकता, मतलब सही पुटा जिसको कहते हैं, टेक के बगैर बैठ नहीं सकता, कोई चीज नहीं उठा सकता, और ज्यादा भारी चीज नहीं उठा सकते। ये बोल दिया मैंने, बाइक तो मना हो गई है, बाइक अब नहीं चला सकता। बाइक मैंने चला सकता पर बिल्कुल स्लो और बेल्ट पहन के। यू नो आप पुटो को जरूरत होती है ना सहारे की, तो वो सहारा इसको लेकर घर में से इतना स्पोर्ट नहीं करना, घर में से इस तरह बुरी बुरी बातें करनी है। पता है क्या, इसकी कमर में पहले की प्रॉब्लम है, हमने इसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे, डॉक्टर भी अजीब ही मुझे पेन किलर दे देते थे, ये चीजें दे देते, कभी उन्होंने चेकअप नहीं किया। इस दफा गए हैं, मतलब जो बैक बोन्स वाले जो चेक करते हैं, मतलब हम सही वाले गए हैं कि इसको अच्छे से चेक करवाएं, तो अच्छे से जब चेक करवाया तो अच्छे से निकल आया। इसलिए वीडियो जो है ना, मैं कुछ आलकस मैं कर देता था, और कुछ बैक पेन्स की वजह से जो मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था, और बिस्तर पर लम्बे पे आ जाता था। हाँ मतलब आलकस करता था, ठीक है। तो अब डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपने एक्सरे कराए, फिर अपनी हमसे वो मतलब पूरा हफ्ता दो हफ्ते ना वो करना है, फिजिकल थेरेपी करना है, जो भी आप लोगों को समझ आ गई होगी वो करना है, ठीक है। और एक्सरे वगैरह करा के आज हमारे पास लेकर आए, तो वही अभी जो है मैं नहा धो के रेडी होता हूँ, फिर आपको सारे सीन दिखाता हूँ, आपको भी पता चले कि आपके भाई के साथ क्या हो रहा है। तो फिर जल्दी से और इसके लिए दुआ भी करना, ये ठीक हो जाए, है तो बच्चा ही प्यारा। क्या निकल रहा है बस, हर वीडियो में कुछ ना कुछ चबल मारने आती है, तो जल्दी से होता हूँ मैं रेडी। का भाई हो गया रेडी शेडी, ठीक है। अभी थोड़ी देर तक जो है ना एक्सरे वगैरह कराने जाना है, पर आप लोग ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोग टेंशन ले रहे हो, प्रैंक्स नहीं आएंगे, व्लॉग्स नहीं आएंगे, वो आएंगे, बेफिक्र हो जा, जितना मर्जी आपका भाई बीमार हो, आपका भाई भावे अभी तो कमर की दर्द ना, भावे टुई की दर्द निकल रहा है, आपका भाई आप लोगों के लिए 100% देगा। यार मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, अगर तो वो सक्सेसफुल रहा ना, तो इस पर प्रैंक बहुत जबरदस्त होने लगा, जो अभी शोही हो रही है ना, ठीक है, असर ही है मेरे ऊपर। तो वो एक्सपेरिमेंट ये था, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, अंडे को ठंडा गर्म करके ओवन में गर्म करके दोबारा किया जाए तो उसको मतलब कट लगाया जाए तो फट जाता, वही मैं इसके ऊपर करूंगा। अगर तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो वो फिर बड़ा मजा आएगा, इसके ऊपर जो शोही हो रही है उसकी सारी शोही निकल जाएगी। चलो फिर जल्दी से जो है ना एग बॉयल करते हैं और इसके ऊपर प्रैंक करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एग जो है वो बॉयल हो चुका है, और जल्दी से उसको निकाल कर ठंडे पानी में डालते हैं। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, बस एक्सपेरिमेंट यार कामयाब हो जाए फिर मजा आएगा इसके साथ। एक ठंडा हो गया था, इसको मैंने छील लिया, अब इसको रखते हैं 1 मिनट के लिए ओवन में, फिर देखते हैं ब्लास्ट होता है कि नहीं। इसको मैंने कर लिया, अब अलीना जैसे ही काटेगी ना ये ब्लास्ट होगा, वैसे तो एक्सपेरिमेंट में तो ये दिखाया गया, अब देखते हैं होता है कि नहीं। A few inches later, ये काट के देना मुझे, काट के दो, हाँ जरा देना, इतने भी तो बड़े हो गए, रुक तेरे को बता, काट देना। व्लॉग मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं जाने लगा ना एक्सरे कराने, जल्दी करो।
अच्छी तरह काट के अच्छी बहन बन गई यू नो ना। अच्छा वो जल्दी कर, मास इस तरह पहनती जिसमें पता नहीं क्या है। क्या मैंने अपनी मां को कहा आपके लिए प्रैंक आना पान नहीं होंगे। नहीं यार ये तो बाकी से सेक्सफुल है, उनको पूरा ब्लास्ट हुआ यार। बेटा इस भाई तुम करोगे? मैं तो नहीं करूंगा, मेरी कमर में दर्द है। मामा चले तैयार हो गई हैं। हां जी। ये देखा आपका भैया आपके लिए प्रैंक फिर भी ले आया। ये खा सकते हैं अब? नहीं खा तो सकते हैं ना, तो सही है बस वो ब्लास्ट ही हुआ। पहले तुम खाओ, इसके अंदर भी मेरे पेट में जाकर। अब चलते हैं एक्सरे कराने। देखा आपके भाई ने आपके लिए प्रैंक ली है। वो बुढ़ा बाकी यार ये सक्सेसफुल है। अच्छा मुझे शक हुआ, फिर मैंने कहा नहीं ऐसे ही कह रहा है, ब्लॉग के लिए कह रहा है। मजे के बाद यहाँ पे लेटी थी वो, मेरी उंगली में वो जलन हो रही थी, मैंने ऐसे पकड़ा था ना। आए 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 आए, अब चलते हैं और अपने वो जो कमर के इशू है वो सॉल्व कराने, वो सब सबको दिखाते हैं। एक्सरे में तेरी कमर ऐसी आई है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। नहीं अरे तू जा रही, हम आ चुके हैं हॉस्पिटल तो अब जा रहे हैं अंदर एक्सरे कराने। चले एक्सरे वगैरह करा के हम आ चुके हैं घर और ये चेक करें एक्सरे रिपोर्ट ये आई है। अभी हमें कुछ नहीं पता चल रहा, अगर आप लोगों में से कोई डॉक्टर आया तो बताए एक्सरे में क्या है। वैसे हमें तो डिंगी फिंगी निकल रही है। अब जिस डॉक्टर ने कहा था एक्सरे करवाना है, अब वो उसके पास जाना है और थेरेपी लेनी है। हाय देखते हैं फिर वो क्या कहते हैं हमें, ये रिपोर्ट देखते हैं। अब मैं आ चुका हूँ डॉक्टर के पास और ये देखें कैसी कैसी मशीनें लगा दी मेरी बम के अंदर। भी देखो मशीन तो डॉक्टर ने तेरी बम देख ली। तुम्हारे साले का खोपड़ी तो चल चुका है साडा यार ही नहीं पता चला। ये भी आ गया कि मेरा भाई को क्या हो गया और ये तो बातें सुना रहा है। ये बिस्त करने आए हैं मुझे देखा हरकतें देखो इसकी। मजे की बात यह है यहाँ पे जिम भी है। जिम नहीं है, इसको कहते हैं फिजियोथेरेपी। हैं फिजियोथेरेपी? हैं हाँ फिजियोथेरेपी। दोबारा बोलना। फिजियोथेरेपी? फिजिकल फिजियोथेरेपी नहीं, फिर बोलना। अच्छा चलो नीचे जाना जोर से रखते हरकतें। फाइन जी मामा भी हैं। मामा ने तो ऐसे जो नहीं है ना। अच्छा चेक करें इधर मुझे मशीनें लगी हुई हैं, उधर वो जनाब साहब के काम थे। ये मेरा पता लेने आया बांक बांक जिम का रहा है। अभी और भी मशीनें लग रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर भी करना इधर। प्यारी समझ गई। अच्छा रात को जब डॉक्टर के पास से जब मैं घर आया हूँ तो उसके बाद में दोबारा से पेन स्टार्ट हो गई थी, फिर मैं सो गया था दवाई मेडिसिन खा के। तो अभी उठा हूँ तो डॉक्टर ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है, बस जो है 2 वीक जो है इसने मेरे पास आके थेरेपी लेनी है और 2 मंथ जो है ना इसने अपनी केयर करनी है, मतलब टेक लगा के जो है बैठना है, जो मैंने आपको पहले बताया ये सिस्टम करने है। बाकी ये केयर करेगा तो ठीक है, अगर इसने केयर ना की तो सारी उम्र की इसको दर्द पड़ जाएगी। ये आपके भाई के इलाज चल रहे हैं, बाकी दुआ करें इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये दर्द ये नहीं है कि 24 घंटे रहती है, किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाती है और किसी भी टाइम ख़त्म हो जाती है। तो वो कह रहे हैं थेरेपी वगैरह लेंगे तो इसकी जो पेंस वगैरह वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो ये भाई के लिए दुआ करिएगा और ये वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह न्यू इसी तरह मिलेंगे, न्यू ब्लॉग न्यू प्रैंक इस तरह करते रहें। अल्लाह हाफिज़।